हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में या इस जो क्लास है, इस क्लास में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। आपके लिए मैं फिजिक्स के टॉप 6 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो एमसीक्यू आप सभी को आज सोल्व करने हैं। आज आपको ओनली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, इस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इनका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। एक दिन आपको पीडीएफ मिलेगी, दूसरे दिन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपको आज का आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ की लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आपको इनके सॉल्यूशन करने और सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने, जो आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर बता देने हैं। 6 क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट से, कल इनका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। अभी आपके जो चैप्टर वाइज जो थ्योरी करवा रहा था, थ्योरी में कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। ओनली आपको एमसीक्यू मिलेंगे, डेली एमसीक्यू आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको रेगुलर करने हैं, जो आपकी बुक्स में सारे आपको पढ़ा चुका हूँ। फिजिक्स के जो भी लगभग सभी चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए करवा चुका हूँ। तो अब आपको बस इतना है कि एमसीक्यू अच्छे से कर लेना है, किसके क्या आंसर आता है, कल इनका सॉल्यूशन में करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है या हमारे ब्लॉग पर आ जाना है, studywithdev97.blogspot.com। इस ब्लॉग पर आने के बाद आपको ये पोस्ट मिलेगी, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये पोस्ट की ही लिंक मैं दूंगा ओनली आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख लेना। तो चलिए इस पोस्ट पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपने पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो इस पेज में अपन को सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। हम आप अब रोजाना आपके लिए यहाँ एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। वह सॉल्यूशन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव पर होगा, जो तो जरूर आप इन एमसीक्यू अपने स्तर पर सोल्व करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अगर आपसे सोल्व नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इनमें कुछ इंक्लूड बातें वगैरह जो भी बुक्स वगैरह के बारे में दे रखा है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन कर नीचे चले जा सकते हो। नीचे जाने के बाद आपको ये यहाँ एक एमसीक्यू मिलेंगे, वो एमसीक्यू में आपको यहाँ ओपन हो जाएंगे। यहाँ मतलब क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होगी ओपन हो जाएंगे। एक मिनट, ये ओपन में करवाई देता हूँ इनको। तो वो एक्सेस मांग रहा है, देखते हैं एक्सेस ओपन हुआ है नहीं हुआ। एक्सेस आई थिंक मिल गया होगा एक्सेस। तो आपको नीचे नीचे चले जाना है और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से आपका 0 पॉइंट, ये देख सकते हो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखना ध्यान से। NaCl अणु में Na+ और Cl आयन के मध्य दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना है। किसी बिंदु पर एक ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको आंसर बताना है, सही से करना है, सोल इसका आंसर राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन से बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, तो आप इनको कर सकते हो। आपके लिए मैं पहले सब कुछ करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़, तो आपको ये करना जरूरी है और शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए। आपको हर तरह से तैयारी करवाई जाएगी। RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, जो भी स्टडी मटेरियल आएगा हमारा स्टडी मटेरियल आपके लिए आने वाला है। तो बेफिक्र होकर आप तैयारी करिए, आपके लिए MCQ की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स का 1.5 चैप्टर बचा हुआ, मतलब एक चैप्टर पूरा बचा हुआ और एक आधा बचा हुआ, तो उनको मैं करवा दूंगा, उनकी टेंशन मत लेना। मैं कुछ दिनों के लिए फिजिक्स क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ओनली आपके लिए MCQ ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिस स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आया उसने कुछ नहीं किया, देख लेना आप, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करना। इसमें आवेश का मान अपन को क्यों की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों की वैल्यू कितनी होगी अपन
अपन को बता देना है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के लिए त्वरणों का अनुपात निकालना है, त्वरण अपन को निकालना है। तो ये भी आप सभी करोगे, नहीं करेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन मैं कल करवाऊंगा, इसे ही आपको तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ज्ञात करना है, सीट में से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि फाई हमें ज्ञात निकालना है, तो फाई हमें ज्ञात करना है। तो सभी स्टूडेंट्स रेडी रहना, सारे कल वाले क्वेश्चंस सब आज कर लेना, कल इनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। कितने आपके राइट होते हैं, कितने नहीं होते, 6 क्वेश्चंस में आपको कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं। अब बात करते हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स में, तो पढ़े तो क्या पढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या, स्टडी विद देव। जैसे आप यूट्यूब पर आओगे, यूट्यूब पर आने के बाद आपको मिलेगा स्टडी विद देव, ये चीज़ आपको सर्च कर लेनी है। जैसे आप सर्च करोगे ऐसा चैनल आपके सामने खुलेगा, ये चैनल आपके सामने आएगा, इसको कर लेना है पहले सब्सक्राइब, यहाँ बेल आइकन बटन आएगा, बेल आइकन बटन कर देना है ऑन। उसके बाद आपको जाना है स्टडी विद देव। जैसे आप स्टडी विद देव पर आते हो, एक मिनट, स्टडी विद देव पर आते हो, आने के बाद आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर यहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ फिजिक्स की क्लास शो नहीं हो रही, बायो की शो हो रही, तो इनको बायो की आप यहाँ से देख सकते हो, विनोद सर की यहाँ से देख सकते हो, मेरी वाली यहाँ से देख सकते हो। आपको इस तीर पर नीचे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नजर आएगा 51 क्लासेज वाली बायो सेशन, तो इस क्लास पर आपको करना है, ये मेरी क्लासेज है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही वाले हैं, जो हम रेगुलर करवाएंगे और रेगुलर बढ़ाना पे आपको ये तीनों क्लासेज रिवाइज कर लेनी है। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तीन क्लासें मैंने करवाई है आपके लिए, तो तीनों चारों जो भी इतनी भी क्लासें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की करवा चुका हूँ, सारी की सारी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। इसके लिंक, इन प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आप सभी को MCQ के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आपको डाउनलोड कर लेना। अभी एग्जाम में आपके 2 मंथ लगभग है, तो 2 मंथ में आपको फिजिक्स का सेंसा हम बना देंगे, फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, 30 क्वेश्चन आप ईजी तरीके से राइट करके आओगे। ऐसे ज़बरदस्त तरीका हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपके लिए डेली ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक वगैरह बताने वाले हैं, तो आप घबराए ना, आपको बस फिजिक्स में हमारे साथ बने रहना है। फिजिक्स में क्वेश्चंस ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ना कि कोई डीप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, अब इजी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। जो MCQ आज मैंने आपके लिए दिए हैं वो ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी गलत करते हो तो आपकी नालायक या नादानी है, जिस वजह से आपने क्लासेस नहीं ली पहले, इस वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा चुका हूं, तो अब ये क्वेश्चंस किसी के गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैं कल से इन क्वेश्चंस को, जो MCQ मैं आपके करवा रहा हूं, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैक्सिमम डिमांड होनी चाहिए दोनों मीडियम में, और मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वालों को भी सेंड करना, ताकि उनको इंग्लिश मीडियम में अगर जरूरत हो तो इंग्लिश मीडियम की मैं दोनों MCQ दोनों तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए ये MCQ मिलते रहे। तो कमेंट करके बताना आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, शेयर जरूर करना अपने उन सभी फ्रेंड्स में जिनको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, धन्यवाद।